इट्स माय बर्थडे, आज मेरा बर्थडे है और घर में किसी को याद नहीं है। मम्मी पापा मतलब इनको कभी याद ही नहीं मेरे रहता, साथ ऐसा और हुआ कि मैं खुद भी भूल गई कि आज मेरा बर्थडे है, क्योंकि यहाँ घर में हूँ ना मैं, तो डेट का कुछ याद नहीं रहा। रात को मेरी फ्रेंड ने मुझे विश किया तो मुझे पता लगा आज 13 है और मेरा बर्थडे है। तो नथिंग, कुछ प्लान नहीं है, कुछ भी नहीं है और कुछ होने की भी कोई उम्मीद नहीं है। बट मैं, मम्मी, हम लोग देखते हैं, कुछ कुछ करते हैं। बट अभी तो जाके पहले मम्मी को बताती हूँ कि आज मेरा बर्थडे है एंड उनसे कुछ कुछ बनवाती हूँ। आई, नमस्ते। आज मेरा जन्मदिन है, जन्मदिन। तो हैप्पी बर्थडे बोलो ना। नहीं आता था। हैप्पी 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 बर्थडे बर्थडे टू यू। थैंक टू यू। यू आई, थैंक यू। और आज मेरा बर्थडे है एंड माय मॉम इज नॉट हेयर। मम्मी है नहीं, मम्मी चल गए पानी लगाने। अब मैंने सोचा था कि मैं मम्मी को बोलूंगी मेरे लिए कुछ बनाओ, मेरे को प्लेन परांठे बहुत पसंद है जो मम्मी के हाथ के होते हैं। तो मम्मी तो चलेगी, आइए बनाओ मेरे लिए परांठा। कोई बात नहीं, अब मेरा बर्थडे है ना, मैं ही खिलाऊंगी आपको, आज मैं परांठा मैं बनाऊंगी। मम्मी आ गई। मम्मी आज मेरा बर्थडे है, वो पता नहीं दे रहा। हैप्पी बर्थडे टू क्या सोचा था और क्या हो गया। मैंने सोचा था कि मम्मी को बोलूंगी मेरे लिए बना के खिलाओ मुझे अच्छे से, मेरा बर्थडे है। एक तो भूल गए सारे के सारे, ऊपर से अब ब्रेकफास्ट मुझे बनाना है। तो भैया आए अभी, उनको भी बताने था, वैसे ही बोलने वाले हैं। तो वो ना मूली लेके आए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ मूली। ऐसा मूली मुझे लगता नहीं आपने देखा हो सकता, शायद हो सकता है देखा, जैसे पिंक नहीं। पिंक मूली देखा, पिंक। तो अभी हम लोग बनाएंगे मूली के परांठे, पिंक मूली के परांठे। मेरे ड्रेस से मैच कर रहे हैं, पिंक पिंक। तो आज मेरा बर्थडे है और मैं बुधवार के दिन ही पैदा हुई, तो लकीली आज बुधवार ही है। तो मेरी मम्मी जब भी बुधवार होता है तो मेरे लिए, और मेरे भैया भी सेम बुधवार के दिन ही पैदा हुए थे, तो हमारे लिए छू पड़ती है, पोथी लगाती है। तो आज मेरा बर्थडे, देखो मेरी मम्मी पूजा कर रही है मेरे लिए, प्रार्थना। 6 सूंग लगा रही ताकि मेरी उम्र लंबी हो। हमको नहीं चाहिए इतना लंबा उम्र मम्मी। और अब मैं मेरी मम्मी की सेवा करूंगी। परांठे तो मैंने बना लिए हैं, अब मैं चाय बनाती हूँ, फिर मैं और मम्मी आराम से खाएंगी। ओम सर्व शंकर परिशुद्धे धर्मदे गगन समुगते स्वभावा भूते मायन परिवारे स्वभाव कर सीते ता ये छे पादो में पे धोते धीरे 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 हम धीरे धीरे झुकना छे छे की पुं वो गेठी जी तुम जे तू तू पाता रद तू ने पछे पाई नमो नमो भगवत परमित और ज्ञान सुबिनी चितरे जोर से तत गतय अरते सम्या संबुदायता यता ओम पुने पुने मगुने परिमित पुने परिमित पुने ज्ञान समरोपति ते ओम सर्व संकर परिचुद जन सर्व समुपति स्वभाव विजुते मायन परिवारे सोवा का चिते ता यशे पा तो मे पे दो ते दी एग्रे दी हम निग्रे दी झुकना छे ही सम में पंगा छे पायों सु चावल यू रोम नम भगवत परिमित और ज्ञान सुवी नीति चाते जरा ज्यादा दगद रे आपका तो आपका हो गया। चीजों आप आज बोले होंगे, पहले खा लो फिर खाना। तुझे करके हाँ पहले खाओ, पहले खाओ, पहले खा लेते यार, भूख लग रही है मुझे भी। खड़े चुप रहे। और आप बताओ मैंने कैसे बनाए परांठे। ये लो,
संजुगे तो आए नहीं अब तुम बदला में संगे दिन बोची के बदला में तुम जे दिन बोची बदला में गिनो दिन बोची के मैं कुछ सुंदर छपा बुक नजर दी दान वो खजे लागे जे मन गे छपा दी जिला नजर पुला समदान हो बाला संगे तंबा गे वे किलाईजो हैप्पी बर्थडे शिल्पा मैं सोचती आप भी उठेंगे आज सब टेंपर करेंगे हैप्पी बर्थडे शिल्पा थैंक यू मामा नमो बुद्ध मैं सोच रही हूँ कि चलो कुछ नहीं पर केक तो काट ही लेती हूँ खुद बना लेती हूँ अभी मैं फटाफट केक बनाती हूँ मैं मम्मी और नानी हम तीन ही होंगे हम तीन ही काटेंगे और छोटा सा सेलिब्रेट करेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू करते हुए तो फटाफट से मैं छोटा सा केक बना लेती हूँ बहुत बड़ा नहीं बनाना है एंड चलो फिर शुरू करते अपना केक बनाना तो मैदे की जगह मैं यूज करूँ ये सुपर फाइन आटा बस चीनी की जगह मैं लगाऊंगी शक्कर चुटकी भर बेकिंग पाउडर थोड़ा सा बेकिंग सोडा थोड़ा सा नमक और अच्छे से मिक्स इसमें जगह तो बंदा तो मैं जो केक है वो कुकर में बेक कर रही हूँ और मैंने नीचे नमक लगाया उसके ऊपर एक कटोरी रखा है जो स्टैंड होता है वो मेरे पास है नहीं और जो मेरा ये बैटर है इसको मैं अब रख देती हूँ इसमें प्रीहीट हो गया अभी अब इसको एटलीस्ट से 30 से 40 मिनट मैं सिम में पकाऊं आज हम खाने में बनाएंगे थोड़ा स्पेशल आज हम बनाएंगे तिब्बतन डिश जो है टिमोक उसके लिए नॉर्मल जो गेहूँ का आटा है या वो भी यूज़ कर सकते बट उसको अगर हम लोग सुपरफाइन आटे या फिर मैदा से बनाएंगे ना तो वो ज़्यादा सुंदर दिखता है और खाने में अच्छा लगता है हेल्दी तो नहीं होता है वैसे मैदा और सुपरफाइन बट वो ना दिखने में भी अच्छा लगता है फिर ज़्यादा अच्छा बनता है तो मैं सुपरफाइन आटा यूज़ करूँगी उसमें हो गया है मेरा रेडी अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा छोड़ दूंगी आधे घंटे के लिए और हमारा जो केक है वो बन के रेडी हो गया कितना स्पॉन्जी केक है तो केक तो हो गया मेरा मस्त एकदम मस्त यार अब इसको हम रहने देते हैं ऐसे ही और मुझे ना थोड़ा सा ट्विस्ट करना है इसमें मेरे को करना है मेरे पास ये पीच है मैंने ना पीच का सॉस टाइप मतलब ग्रेवी जैसा बना के इसके ऊपर लगाना है ताकि जो है थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट आए तो मेरे साथ आके मेरे बर्थडे में मेरी कजन आई होगा मेरे लिए बेचारी यहाँ कुछ नहीं मिलता ना गांव में एक चॉकलेट लेके आई थी हाँ ये नमकीन थैंक यू मम तो मैं फटाफट ये सॉस बना के इसके ऊपर लगाऊंगी फिर हमारा छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे हम लोग ऐसा कुछ तो है नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा शक्कर लगा के इसको थोड़ा सा ट्विस्ट दे देती हूँ ठीक हो जा रहा है मिट्टी लेना ना लग रहा है घेरना पटन कर लाना या जल्दी और थोड़ा सा मैं हर्ष के चॉकलेट मिलेगी भी करने लगे जो आइसिंग करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूंगी अभी बहुत गर्म है ये देखिए अपना टॉपिंग जो सॉस हमने बनाया है पीच सॉस पहले एक लीटर डाल दीजिए मेरा केक कितना सुंदर लग रहा है ना तो पहले सब्जी बना लेती हूँ फिर टिमोक बनाऊंगी आटा और अच्छे से हो जाए तो अच्छा है तो
फटाफट बनाते हैं हम आलू की सब्जी। सब्जी हो गई है हमारी रेडी और आटा भी हमारा तैयार हो गया, बिल्कुल मस्त बन गया। देखो जो ये टिमोक बनता है वो स्टीम बनता है, मतलब उसको मोकटू जो सीडू मेकर होता है नीचे, सॉरी सीडू मेकर बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं मोकटू। इसमें पानी लगा के उबलने देंगे, इसमें पानी लगा के अब हमारे मोकटू को भी अब इसमें ग्रीस करेंगे ताकि चिपके नहीं और आसानी से निकल जाए। मतलब मोकटू वाला बिल्कुल जैसे मोमो बनाते ना वैसे ही प्रोसेस है, बट इसका बनाना बहुत आसान है और प्लस बड़ी जल्दी बन जाता है। जितना रोटी में टाइम लगता है ना उससे आधा समय भी लगता है इसमें। Happy birthday to dear Shilpari. Happy birthday to you. तो ये देखो जी टीमों ऐसा ऐसे बनता है। मेरे इसमें थोड़ा सा कमी क्या हो गया ना कि थोड़ा सोडा कम चला गया, वरना ये बहुत बड़े बड़े बन जाते, इतने बड़े बड़े। तो अभी मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। ऐसे खुलता है देखो, ऐसे देखो ऐसे, हाय हाय। थोड़ा इसमें ना वो कम हो गया, सोडा कम हो गया, वरना तो तो हम लोग करते हैं हमारे खाने का एंजॉय। और मेरा बर्थडे बहुत अच्छा रहा, मैंने सोचा था इतना अच्छा रहेगा। तो आज का व्लॉग बस मैं यहीं पर ही कंप्लीट करती हूं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। घर वाले कुछ बोलना चाहते हैं आप लोगों से? चलो सर लाइक करो, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करो, कमेंट करो।